वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अपन खेलने वाले हाइड एंड सीक। लेकिन गाइस, इस बार ना एक बहुत ही क्रेजी ट्विस्ट है। इस बार अपन छुपने वाले फूड्स में, लाइक लिटरली फास्ट फूड। फॉर एग्जांपल पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चटनी, इडली, डोसा, प्रिंगल्स, ओरियो, किसी में भी छुप जाएंगे भाई। गाइस लाइक लिटरली हम लोग फूड में कन्वर्ट हो सकते हैं। आई होप फूड में कन्वर्ट होने के बाद डॉगी, बिल्ली ये सब हमें चबाना जाए। लेकिन अब इन सब शैतानों को मैं एक एक फूड में जाके खोजने वाला हूँ। आप लोग सोच सकते हो, आई मीन ये सारे फूड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, बहुत क्रेजी मजा आएगा। और फिर गाइस फॉर एग्जांपल जैसे अब चॉप है, चॉप का फेवरेट फूड जो भी होगा वो उस पे कन्वर्ट होगा। मैं अपना फेवरेट फ्रूट नहीं बताऊंगा, मैं पूछ भी नहीं रहा तेरे से। गाइस आज सबके पास मौका है, अपना अपना फेवरेट फूड पकड़े और उसमें कन्वर्ट हो जाए, और फिर मैं खोजूंगा। मेरे को बस ये गेस करना है कौन सा फूड किसका फेवरेट हो सकता है भाई। ऑलराइट, जो तुम सारे जाके छुप सकते हो, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 गिनती का समय है, ठीक है? मैं 10 तक गिनूंगा, सारे छुप जाना। 1 2 10। गाइस सारे छुप चुके हैं, ठीक है? अब अपन यहाँ पे निकालते हैं अपनी इलेक्ट्रिक गन और चलते हैं अंदर। और गाइस अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी फूड, कुछ भी खाने का आइटम दिखता है ना, तो आप लोग उस पर गौर करना, ठीक है? और गाइस मैं आपको बता दूं, छोटे मोटे खाने के आइटम का मतलब जो छोटा छोटा फ्रूट्स होता है ना, जैसे कि ऑरेंज, एप्पल, नींबू, यहाँ तक कि बेर जो कि बहुत ही छोटा होता है, या फिर चेरीज, ये सारे फ्रूट्स ना अपने को एकदम केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पेड़ पे भी लगते हैं। तो अगर कोई एकदम ही चालाक होगा तो भाई वो एक्चुअली में चेरी बन के किसी पेड़ पे लग जाएगा और अपन पकड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रूट्स के लिए देखता हूँ, कोई फ्रूट्स तो दिख नहीं रहा है, ठीक है गाइस? यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि कोई है, बट वेट गाइस, ये जो एक फ्लावर है ना, यहाँ पे मतलब जो पेड़ है ये फूलों का पेड़ है, और इस फूलों के पेड़ में एक फल है। व्हाट, यहाँ पे फ्रूट्स हो ही नहीं सकता है, कुछ तो यहाँ पे सस लग रहा है मेरे को। और मेरे को बहुत ज्यादा यकीन है कि कोई ना कोई शाणा यहाँ पे ना अपना ओवर स्मार्टनेस बन के ना एकदम यहीं पे छुप गया है। ऑलराइट, 3 2 1 लेट्स गो। मास्टर भाई तू यहाँ पे था, ये क्या मतलब है? चौप तेरे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, लेकिन तेरे पास थोड़ा बहुत ऐसा तो है ना कि दूसरे लोग को देख के छुप जाए। चौप दूसरे लोग को देख के छुपता नहीं है, वो उनके सामने जाता है, ठीक है? मेरा कुछ और मतलब था यार, चौप ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। गाइस इस घर के अंदर चलते, ये बहुत लग्जरी घर है, मतलब अगर इससे ज्यादा लग्जरी घर जीडीए में मिल जाए ना तो हाँ मिल ही जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मिल सकता है, लेकिन ये बहुत लग्जरी मिला है। क्योंकि यहाँ पे टेबल मिसिंग है। व्हाट, एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसका एक ही मतलब है कि किसी ने कुछ तो कुछ चला के किया। गाइस और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो लिटरली घर पे ना आसपास खाने पीने का कुछ तो आइटम होता है, यहाँ पे एक आइटम है जो कि है ये कॉफी वाला मग। गाइस कॉफी वाला भी तो खाने पीने की चीज में आएगा। हाउएवर मैंने इनको पहले कहा था कि खाने की चीज में छुपना है, बट हाँ ये लोग मुझसे भी चलाक हो गए ना, कॉफी पीने की चीज में छुप सकते हैं। तो मैं एक बार आउट करके देख लेता हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। कोई नहीं छुपा है, कोई ना अपने को और इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, क्या ये कोई खाने का डब्बा है? खाने का नहीं है। वेट, ये कोई फ्रूट है? हाँ ये कोई फ्रूट है, और मुझे पता नहीं है कौन सा फ्रूट है, लेकिन ना शायद ये चेरी है या ऑरेंज है। ऑरेंज तो नहीं है, चेरी है, एप्पल जैसा लग रहा है। यार अब अपन एकदम एग्जैक्ट फ्रूट कैसे चूज करेंगे? शिट गाइस ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई एक्चुअली में यहाँ पे छुपा होगा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो उसको खोजना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टर्न्स है भाई, और मैं सारी चांस इस बेकार फ्रूट्स में यूज नहीं करना चाहता हूँ। एंड पता चला कि कोई है ही नहीं तो भाई पोपट हो जाएगा ना। वेट, ये देखो यहाँ पर एक केला है, लाइक लिटरली केला, ये देखो भाई, इस जगह पे एक बनाना हो ही नहीं सकता। ये कौन बेवकूफ है भाई? महा बेवकूफ है, एक महा बेवकूफ था चॉप, अभी दूसरा महा बेवकूफ कौन है? 3 2 1 लेट्स गो। गिरा दिया जे भाई, हमने तुमको नहीं गिरा। अरे कहाँ गया ये गिर के? अरे यही तो था, कहाँ गया भाई? भाई कहाँ गया वो? अच्छा ये रहा। ऑल राइट, ठीक तो है ना तू? एक महा बेवकूफ है इसका भाई और दूसरा है ये, दोनों बेवकूफ है यार। मास्टर अगर आप मुझे बेवकूफ बोलते तो मैं सुन भी लेता, लेकिन आपने मेरे भाई को बेवकूफ बोल के गलती कर दी है। पूछा किसी ने? मैं आपको माफ नहीं करूंगा, और अब मैं आपके साथ ऐसा करने वाला हूँ जिसको आप सोच के भी डर जाओगे। सोच के भी डर जाऊंगा यार, ऐसा क्या करने वाला है भाई? मत कर यार, जो भी कर रहा है मत कर। अब आप मेरा ये अटैक झेलो, फार्ट अटैक। ओ भाई इतनी गंदी बदबू, छी यार ये तो टट्टी है भाई। ये क्या क्या अटैक है, कहाँ से सीख लिया है तू फार्ट अटैक? ये कैसा अटैक है, कैसा अटैक है ये? मास्टर मारो नहीं। हाँ जब तू अपने पीछे से कुछ मारेगा तो चलेगा, मैं मारू पीछे तो नहीं चलेगा। नहीं मास्टर नहीं चलेगा। अरे भाई गाइस अब मैं ना यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है क्या एकदम सस्ता? नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने को बहुत ज्यादा फोकस रहना है गाइस, ना यहाँ पे कोई भी। अरे शिट
मैंने अपनी एक चांस वेस्ट क्यों कर दी यार। ठीक है। ओह वेट, यहाँ पे है फ्लावर्स, और गाइस फ्लावर्स में कोई तो कोई निकलने का बहुत ज्यादा चांस है। लेट मी सी। ऑलराइट, यहाँ पे कोई नहीं है। ऑलराइट, अपन एक मिनट, यहाँ पे फ्लावर तो बहुत, ओ माय गॉड, यहाँ पे लिटरली किचन है, और किचन में कितनी सारी खाने की चीजें है भाई। तो आपको क्या लगा था कि किचन में बड़ी बिल्डिंग की चीजें होगी, वेट्स रखे होंगे, डंबल होंगे, ये सोच रहे थे क्या मास्टर? नहीं यार, मैं पर फिर भी यहाँ पे इतनी सारी चीजें, तो कोई मिल ही जाएगा। हर कोई मिले या ना मिले, मेरा पेट भर जाएगा, मैं फ्रेंच फ्राइज खा लेता हूँ थोड़ा सा। गाइस अपना अपने को दिमाग लगाना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो बहुत सारे खाने की चीजें, और अपन सारे फूड आइटम्स पे तो अपनी चांस वेस्ट कर नहीं सकते। कोई एक ऐसी चीज खोजना पड़ेगा जो कि ना काफी ज्यादा अजीब और सस्पिशियस हो जाए। यहाँ पे अचार के डब्बे, भाई ये अचार के डब्बे में कॉकरोच भरा है। नहीं, पास्ता है भाई, पास्ता है। ठीक है। ये ओट्स जैसा कुछ दिख रहा है, और ये मिर्ची जैसे कुछ लग रही है। ठीक है, अब इन तीनों में मेरे को चांस कम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नींबू। वेट गाइस, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में कहा था कि अपन नींबू में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कोई शाणे ने नींबू में कन्वर्ट कर लिया अपने आपको। ऑलराइट, 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार, अरे भाई, ये क्या कर दिया, मुझे आउट कर दिया अपने। मेरे को लगा था कोई ना कोई एक छोटा नींबू और छोटा नींबू बन गया होगा। अरिन भाई, आप मुझे छोटा नींबू बोलते हो? और नहीं तो क्या भाई, तू नींबू के जैसे ही तो एकदम खट्टा मीठा सा है। नींबू कब से खट्टा और मीठा दोनों होने लगे? अरे वो सब छोड़, एक बात बता मेरे को, बाकी लोग कहाँ छुपे? नहीं अरिन भाई, आप अभी चीटर नंबर 1 बन गए हो, मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एक मिनट, अरे चुप, यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज थे वो कहाँ गए? वो मेरे पेट में है, और जब से खा लिया हो तब से मुझे बहुत खुजली हो रही है। अरे यार चुप, ये तूने क्या कर लिया? एक मिनट, अरिन भाई से थोड़ा दूर आ, मुझे कुछ बताना है। चॉप, उस फ्रेंच फ्राइज में आलू चाचा जी छुप गए थे, अब वो तेरे अंदर घुस गए होंगे। तो इसका मतलब वो मेरे पेट से, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए फिर जब मैं पार्टी करूंगा तो निकल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जिनचान, उन्हें भी थोड़ा चॉप के अंदर रहने का मौका दो। अरे यार चॉप, तू समझ नहीं रहा है, बेचारे आलू चाचा जी अंदर बदबू में मर रही होंगी। लेकिन एक बात बढ़िया है कि अरिन भाई उस आलू चाचा जी खोज ही नहीं पाएंगे। यस, अरे भाई मेरे को इस बदबूदार जगह से निकालो। एक मिनट, में मेरे मुंह के अंदर से किसी की आवाज लगता है आलोक की है। यार गाइस, आलोक चाचा जी तो इसके पेट में ही कैद है, लगता है आलोक चाचा जी को बहुत जन्म की सजा मिल रही है। यार बहुत बदबू है, इसके मुंह से निकाल दे भाई। अगर निकलना होगा तो मुंह से नहीं निकल सकते हो, आप पीछे से निकलोगे। गाइस यहाँ पे तो कोई मिलने से राह लग रहा है मेरे को, इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स है। अब देखो किचन में तो सब ऑब्वियस है, ये एक ऑब्वियस नहीं था, क्योंकि नींबू ऐसे कटा हुआ पड़ा नहीं रहता जनरली। और अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो फूड रखे है ना, मेरे को लग रहा है कि मुझे बुद्धू बनाने के लिए रखा गया है, क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो ये सारे गैस के ऊपर ही छोड़े गए हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ यहीं पे। और हाँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई मिल सकता है मेरे को, क्योंकि गाइस ये ना फ्रूट्स के जैसे ना गार्डन जैसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई फ्रूट वूट दिख जाता है, हाँ, या फिर चेरी वेरी दिख जाती है, तो समझ लेना कि अपने बंदे यहीं पर है। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ नहीं है इस बार, विलन्स लोग, आलोक हो गया, उसके बाद माइकल, ट्रेवर, ये लोग काफी अच्छा खेल रहे हैं गाइस। अरे लेकिन वेट गाइस, एक मिनट रुको, यहाँ से ना जलने की काफी बदबू आ रही है। ये देखो यहाँ पे आग वाग लगी हुई है, ठीक है। और ऐसा कौन है भाई जिसको सोफे के सामने ही आग तापनी है? ओ वेट, यहाँ पे एक हॉट पिज्जा रखा हुआ है, आपको दिख रहा है? और ये हॉट पिज्जा ना जल के ज्यादा ही हॉट हो गया है, और मेरे को ऐसा लग रहा है इस हॉट पिज्जा में कोई तो कोई जल रहा है भाई, उसको जल्दी से आउट करना पड़ेगा। ऑलराइट, 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार ये क्या किया? ओ भाई वेट, यहाँ पे लाइक लिटरली ग्लास लगा है। व्हाट गाइस, ये ग्लास है, बट एटलीस्ट पेनीवाइज निकल जाए, इसलिए मैं इस ग्लास को तोड़ देता हूँ, ताकि पेनीवाइज को निकलते तो बने, बट ये ग्लास ऐसा नहीं है कि इजीली टूट जाए। पेनीवाइज आई एम सॉरी। अरे तुमने मेरी मदद करी है, मैं फंस गया था, जल रहा था। ऑलराइट चलो, किसी ने तो माना कि मैंने उनकी वेट गाइस, ऐसा ही लग रहा है कि इस बर्ड के पीछे से कुछ निकला है, और जो कि एक संतरा दिख रहा है, क्या कोई हो सकता है? 3 2 1 लेट्स गो। कोई नहीं है, अब मेरे पास लिटरली लास्ट की 6 टर्न बची है गाइस। अभी जो 6 टर्न है ना, मैं अब ऐसे यूज नहीं करूंगा। ओ वेट, यहाँ पे बारबेक्यू वाला कुछ तो सीन है, अगर ये बारबेक्यू वाला है ना, तो यहाँ पे आसपास कुछ खाने पीने का तो होना ही चाहिए भाई, लाइक लिटरली होना ही चाहिए। और ये कैसा स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पानी डालना भूल गया क्या बंदे? अच्छा नहीं, डाले होंगे गाइस, यहाँ पे इतना बड़ा जगह है ना, यहाँ से सारा पानी निकल गया होगा। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन सी जगह मिस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी काफी सारे बंदे बचे हैं। एक तो हगी बचा है,
उसके बाद ट्रेवर बचा है, फिर अपना माइकल भी बचा है। और गाइस आप लोग भूल गए होंगे लेकिन हमारा चूचू चाल सबसे ज्यादा खतरनाक खोपड़ी वो भी बचा है। एक काम करते हैं ना, देखो यहाँ पे बीच पे तो कोई दिख नहीं रहा है, इस जगह को छोड़ते हैं और अपन चलते हैं अंदर। और यहाँ पर यार गाइस अब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया एक चीज को सोचिए कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ 6 टन है और यहाँ पे इतने सारे फूड है, कोई ना कोई इसमें छुपा तो नहीं है, बस एक चारा है उस सबका खोल कर देखो अपनी चांस वेस्ट करे मास्टर। अच्छा अच्छा बेटा ऐसा, मैं तो चांस वेस्ट करने नहीं वाला हूँ। और मुझे ये भी पता चला है चॉप कि एक्चुअली में तूने किसी को बचा लिया है, मतलब मैं किसी को आउट करने वाला था बट तूने कुछ तो कुछ करके बचा लिया क्योंकि तू और शिनचैन कुछ तो बात कर रहे थे। क्या हम लोग? नहीं नहीं अरिन भाई, आपकी थोड़ी सी गलत फहमी हुई है। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। गाइस मुझे कुछ गलत फहमी नहीं हुई है, वो शिनचैन मेरी तरफ देख के बात भी नहीं कर रहा था। और एक मिनट ये तो देखो यहाँ पे एक बाथरूम है इतना बड़ा, ठीक है भाई। ऑलराइट गाइस अब ये बाथरूम है, मैं तो सोच रहा हूँ कि चुपचाप मैं ही नहा लेता हूँ भाई सुबह से। अरे वेट व्हाट भाई, यहाँ पे जो कमोड है ये हवा में टंगा हुआ है। भाई ये हवा में टंगे हुए कमोड पे कैसे बंदे अपने आप को साफ कर रहे हैं पेट को? आई मीन आप खुद सोचो, ये अगर आधा आप कमोड यहाँ पे टंगा है तो आपका पैर हवा पे रहेगा भाई, और ये हवा में टंगे कौन कर पा रहा है? गाइस मेरे को तो लगता है कि यहाँ पे ना जो लोग रह रहे हैं ना ये बहुत अजीब है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बर्गर है। भाई वॉशिंग मशीन में बर्गर धो रहे क्या बंदे? ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, अपन इस बर्गर को निपटाते हैं। ऑलराइट 3 2 1 लेट्स गो। आला मारता है, नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई जादू बाहर तो निकल, उसके बाद तो कुछ होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तू खुद को बचा ले यार। आला तुम बस एक काम कर दो, मैं बहुत गंदा हो गया हूँ, तुम बस मुझे उस कमोड के अंदर डाल दो, मैं फ्लश करके अपने आप को धो लूंगा। क्या? अरे भाई कमोड के अंदर जाएगा तू साफ नहीं और गंदा हो जाएगा। सामने ये है क्या बोलते हैं इसको, बाथ टब है, इसमें जा बढ़िया नहा ले। आला नहीं नहीं बाथ टब से मैं ज्यादा ही साफ हो जाऊंगा, मुझे इतना साफ नहीं होना। क्या बात बता, तुझे वॉशिंग मशीन के अंदर था तो कोई वॉशिंग मशीन को घुमा दिया था क्या? जब मैं अंदर था तो पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। भाई दुनिया गोल गोल नहीं घूम रही थी, तू ही गोल गोल घूम रहा था। भाई ये वॉशिंग मशीन के अंदर था और किसी ने ना इसको ही घुमा दिया था, शायद मैं और भी कोई तो जगह भूल रहा हूँ। एक मिनट रुको रुको रुको, अगर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं है, हाँ ऊपर चल के देखता हूँ, हो सकता है ऊपर मैंने कोई जगह छोड़ी हो, क्योंकि गाइस अपने को पता नहीं है कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बंदे छुप सकते हैं। यहाँ पे ओके 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 वेट, ये जगह है। गाइस वेट, आपने कभी नोटिस किया यार इस जगह? मैंने तो नहीं किया भाई। यहाँ पे काफी बड़ा सा गैरेज है और वो खुलता भी है। ओके ओके वे, ओ माय गॉड माय गॉड, यहाँ पे लिटरली एक मशीन है जिससे ड्रिंक्स आती है, उसके बाद यहाँ पे बर्गर रखा हुआ है। और गाइस ये वाला जो बर्गर है बहुत ज्यादा लवारिस और खुला हुआ रखा हुआ है, तो अपन सोचते हैं इस वाले जो ट्रे है ना इस पे मारते हैं। ऑलराइट 3 2 1 लेट्स गो। तुम क्या कर दिया ससुरा, हमरा आउट कर दिया तो? हाँ भाई तुमको आउट कर दिया मैं। वेल ट्रेवर तू नीचे आने की कृपा कर सकता है क्या भाई? ठीक है ऑलराइट थैंक यू भाई, नीचे आ गया तू। गाइस यार मेरे को ना एक्चुअली बताओ ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं उतना अच्छा हाइड एंड सीक ना खेल नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं काफी क्रेजी खेलता था। वेट यहाँ पे ये कैसी जगह है भाई, जल के देखते क्या है। ऑलराइट ओके वेट, भाई ये कोई सीक्रेट जगह है। गाइस यहाँ पे कितनी सारी खाने की चीज है भाई, मैं लाइक लिटरली बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी सारी खाने की चीज है। ओके इसमें से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे किसी को आउट कर ही नहीं सकता, यहाँ पे इतनी सारी ड्रिंक्स है, इसमें से अगर कोई एक होगा तो मैं कैसे आउट करूंगा यार। इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और फ्रिजेस है जो कि बंद है, ये वाला फ्रिज तो भाई ढक्कन नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पे काफी सारे फूड आइटम्स है गाइस, यहाँ पे ना ओके यहाँ पे होने का चांस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो गाइस मेरे पास जो 10 बची है वो शायद सिर्फ और सिर्फ 4 बची है, तो मैं इन सब पे यूज करने के बजाय मैं सिर्फ एक करूंगा, वो भी इस छोटू फ्रिज में। हाँ इस छोटू फ्रिज में करूंगा। ऑलराइट 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 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार तुमने मुझे आउट कर दिया। हाँ मैंने देखो आउट कर दिया भाई, तू जिंदगी से आउट तो नहीं हो गया है? वेल गाइस अगर आप देखो ना ढंग से तो मैंने इस बार ना हाइड एंड सीक उतना भी बुरा नहीं खेला और उतना भी अच्छा नहीं खेला, बीच का खेला है मैंने। मास्टर आप कभी भी अच्छा नहीं खेलते हो। यार गाइस आजकल ना चॉप बहुत ज्यादा बोलने लगा है और अब मैं इस घर के ऐसी जगह पे जाने वाला हूँ जिस जगह पे मुझे बहुत पहले चले जाना था लेकिन मैं गया नहीं, और अब मैं वहां जा रहा हूँ। गाइस आप लोग को भी दिखाता हूँ वो कौन सी जगह है, बस पहले मुझे इस घर के बाहर आ जाना, ऊपर निकल जाता हूँ मैं। ऑलराइट अब देखो ये एंट्रेंस है, ठीक है यार अब
अपन ना घर के ऊपर कैसे भी चल जाए ना तो अपना काम बन जाएगा गाइस। और मैं इसलिए ये गाड़ी लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे को घर के ऊपर जाना है भाई, अंदर नहीं जा रहा अब मैं, मेरे को ऊपर जाना है। अरे भाई ट्रेवर तो यहीं पे खड़ा रह गया। गाइस अब अपन ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इस गाड़ी से करने वाले हैं। और ये देखो सबसे पहले मैं, ओह अच्छा मैं यहाँ भी जा सकता था क्या, तो शायद वो गाड़ी की जरूरत पड़ती नहीं। ऑल राइट अब देखते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है ठीक है। गाइस अपने को ना इसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, उसके ऊपर जाने का कोई साधन नहीं है मेरे पास। अगर तो देखो जो अंदर टेबल वेबल है ना ये बाहर आ जाए ना तो काम बन जाए, लेकिन ये ग्लास टूटेगा नहीं। तो ठीक है अपन एक काम करते हैं, ऊपर ना गाड़ी को लाने की कोशिश करते हैं, जो ये वाली कार है ना। ओ वेट गाइस, अगर ये जो है ना इसको अपन एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट बस। गाइस अपन ने ना उस गैराज का एक्चुअली में कुछ यूज कर दिया है, अब अगर ये ऐसा रहेगा तो गाड़ी तो ऊपर चले जाएगी एटलीस्ट। अब मैं यहाँ से गाड़ी ऊपर ले जाता हूँ। अब बचा कौन है, एक आलोक बचा होगा और एक माइकल बचा होगा, यस, और चार्ल्स, ये तीन बचे हैं। और मेरे को आलोक का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ माइकल चार्ल्स ये लोग को मुझे खोजना रहेगा। ऑल राइट अब मैं गाड़ी यहाँ पे रख देता हूँ, अब इसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश करूंगा। गाइस आई होप कि मैं चढ़ जाऊँ। अरे यार चढ़ जा भाई चढ़ जा, क्या लेगा चढ़ने का। अरे वाओ गाइस लिटरली के ओके ओके, यहाँ पे आपको फल दिख रहा है क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है। ऑल राइट 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार ये क्या किया भाई, आउट किया भाई और क्या किया। और तो यहाँ पे वेट यहाँ पे है एक, यहाँ पर है बर्गर का कुछ है और वहां पर भी कुछ तो है गाइस, वेट अ मिनट। ऑल राइट अब अपने पास जो 10 बची है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 बची है, लिटरली 2। तो अब इन दोनों में से कोई एक को मैं यूज करूंगा और एक दूसरे के लिए यूज करूंगा, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार, अरे भाई ये तो चार्ल्स था गिर गया, अरे मैं भी गिर गया। ओ शिट भाई अब तो कोई बचा ही नहीं है, एक मिनट आलोक बचा रह गया। यार ये आलोक कहाँ छुप सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरे घर को छान लिया ठीक है, एक एक फल फूल को देख लिया, खाने की चीज पीने की चीज सब कुछ देख लिया और आलोक अभी भी नहीं है। गाइस अब ये ना मेरे को कुछ तो सस लग रहा है, आलोक कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर देखो वो चीटिंग नहीं कर रहा होता तो मैं उसको इजीली खोज लेता, और अगर मैं उसको नहीं खोज पा रहा हूँ इसका एक ही मतलब है कि वो चीटिंग कर रहा है भाई। शिनचैन और चॉप इन दोनों को पता होगा, तो मैं सबसे पहले ना शिनचैन एंड चॉप के पास जाके ना कुछ अगर राज है तो उगलवाता हूँ, क्योंकि गाइस अगर मैं नहीं पता कर पाया ना कि आलोक कहाँ है तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है आलोक। इसलिए पहले मैं जाता हूँ शिनचैन एंड चॉप के पास और मैं घर के अंदर घुस गया हूँ। मास्टर आपको पता नहीं है घर के अंदर गाड़ी ना हिलाते हैं, तेरे को पता नहीं घर के अंदर पॉटी नहीं करते, फिर भी तो करता है तू। मेरा अलग है भाई, मैं जानवर हूँ समझे। अरे तो जानवर एक बात बताइए, क्या इस वाले मैच में हमारे आलोक मियाँ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आलोक 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 कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। ओके तुम जानते ही, मैं जानता हूँ मास्टर। अरिन भाई हम लोग आलोक चाचा जी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो तो पता नहीं कहे होंगे। एक बार फिर से सोच ले, अगर पता नहीं है तो फिर वो अभी तक मिला कैसे नहीं। अरिन भाई अब मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ, पर मैं इतना बोल सकता हूँ कि हो सकता है वो खाना बन के किसी का खाना ही बन गई हो। यार खाना बन के किसी का खाना बन गए हो, ओह वेट अ मिनट, किसी ने उसे खा लिया, लिटरली किसी ने उसे खा लिया भाई, और चॉप के अलावा किसी ने कुछ खाया नहीं था। वेट चॉप यहाँ पे क्या रखा था पहले बताइयो। मास्टर वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज था। यार तूने फ्रेंच फ्राइज खा लिया ना, है ना। हाँ मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया था, उसमें क्या है आलोक। मास्टर आपको कैसे पता चला। हा? इसको ना एक चीज आती है उससे पता लगाते हैं। एक चीज आती है, क्या होती है वो चीज। वो होती है कॉमन सेंस, समझा, कॉमन सेंस से पता किया हूँ मैं। तू था चुपचाप से निकाल दे उसको अपने पेट से, नहीं तो मैं तेरे को आउट कर दूंगा फिर से। मैं निकालता हूँ। ऑल राइट ठीक है बेचारा आलोक। ऑल राइट 3 2 1 लेट्स गो। अरे बाप रे ये क्या किया भाई, मैं तो पहले मैं फ्रेंच फ्राइज बना, फिर पार्टी बना, और फिर अब इलेक्ट्रिक शॉक खाने का शिकार बना। हाँ भाई तू समझ ले कि तू बहुत बुरा खेला इस बार, और कुछ नहीं गाइस। आलोक लिटरली चौप के पेट से निकला है भाई, मैं तो आलोक से बात नहीं करने वाला, पास भी नहीं जाऊंगा, मैं बहुत बदबू आने वाली है उससे। बाकी अपने आज के वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।